नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। खंडवा में रविवार रात 11 बजे इंदौर नाका के पास तहसील मार्केटिंग सोसाइटी की 7 दुकानों में आग लग गई। आग तब लगी जब सभी दुकानें बंद थी। आग ने सिर्फ 10 मिनट में विकराल रूप इसलिए ले लिया क्योंकि ऑयल दुकान, प्लास्टिक के कवर, गैरेज और टेंट हाउस यहाँ थे। यहाँ प्लास्टिक और ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। आग की लपटें जब धू धू कर उड़ने लगी तो लोगों को पता चला। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस व नगर निगम को सूचना दी। जेसीबी से टीन शेड तोड़कर आग पर पानी डाला। करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। जब तक फायर फाइटर आए तब तक आग ने 7 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें संजय अग्रवाल का जीएस स्टील गोदाम, जहीर सीगर का अरोरा कार डेकोर, मोहित शर्मा की ऑयल दुकान, सत्यम कार डेकोर, फाजिल उस्ताद की ऑटो पार्ट्स व वर्कशॉप की दुकान, सागर टेंट हाउस समेत 7 दुकान जल गई। जेसीबी की मदद से टीन शेड तोड़कर आग पर पानी डाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फायर फाइटर पानी डालकर आग को कम करते तब तक पानी कम पड़ जाता और आग फिर से भभक जाती। बहरहाल 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 1 बजे आग की लपटें कम हुई। आग की वजह और वह किस दुकान से शुरू हुई इसका अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऑयल कार डेकोर से शुरू हुई थी।